हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है डे 5 फाइनली, और जैसा कि आपको पता होगा कि आज मेरी ट्रेन भी है सपना के लिए। सो मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और भैया बना रहे पोहा और चाय अपनी यहाँ पे बन रही है। सुबह सुबह उठ कर चाय बना लिए, चाय चढ़ा दी, पोहा बन गया है, और मैं भी उठूँ, जस्ट ड्रेस वगैरह किया हूँ, बाकी पैकिंग वगैरह करेंगे अभी सपना के लिए निकलना है। चाय वगैरह आ चुकी है और हरी चाय और पोहा, और ये रहा सामने का मॉर्निंग व्यू। सो मॉर्निंग व्यू में चाय का आनंद लेते हुए हेलो दोस्तों, और जैसे कि अभी समय हो रहा है दोपहर के 11:30, और भैया दीदी लोग चले गए हैं अपने अपने ऑफिस ड्यूटी में लिए। सो अब मैं अकेले बचा हूँ, और मैं भी रेडी हो चुका हूँ नहा धो करके, और मेरा बैग वगैरह भी पैक हो चुके हैं। सो जाने के लिए मैं भी रेडी हूँ, अभी खाना खाते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलेंगे। और दोस्तों अभी वीडियो मैं एडिट कर रहा था, कल रात से मैंने एडिट की है, लेकिन कुछ फाइल स्टोरेज प्रॉब्लम होने के कारण से मेरी वीडियो वगैरह डिलीट हो चुकी हैं। सो मोबाइल में जो स्टोरेज थी उसको रिमूव करने के लिए मैं गलती से कुछ वीडियो मिसिंग हो गई, और मैं बहुत कोशिश की उनको वापस लाने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं हो पाई, जिसके कारण से डे 2 वाली जो ब्लॉग है उसमें कुछ मीडिया फाइल मिसिंग है। एडिट भी अच्छे से किया था, बहुत अच्छे से एडिट किया था। सो कोई बात नहीं दोस्तों, आगरा में ज़्यादा नहीं घूम पाया, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आगरा भी अच्छे से घूमेंगे। और चलिए अभी ब्रेकफास्ट की है सब्जी रोटी, और समय से निकलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। सो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। सो दोस्तों फाइनली तैयारी हो चुकी है, और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, बैग भी पूरे फुल पैक हो चुके हैं, बस समय है थोड़ी देर का, और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। पूरा रूम खाली है, भैया दीदी जैसे गए हैं ऑफिस, मैं बस हूँ। मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी है यहीं के वाईफाई से, तो एक वीडियो तो अपलोड हो गई, बाकी एडिट करने के लिए बाकी है। और अभी तो मैं फ़िलहाल जाऊँगा यहाँ से रोड तक फिरोजाबाद की, फिर फिरोजाबाद से बस में बैठ कर जाऊँगा आगरा कैंट बस स्टैंड, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के रेलवे स्टेशन जाऊँगा, और फिर दोपहर के 3 बजे का टाइम है ट्रेन का, मेरे पास 3 घंटे हैं अभी वहाँ तक जाने के लिए। और मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, नया भी हूँ, सो देखता हूँ 3 घंटे का टाइम लेके जा रहा हूँ, और जैसे भी रास्ते में वो दिखाऊंगा अभी आपको। सो मिलते हैं थोड़ी देर से, बाकी तैयारी करके जूते वगैरह। दिल्ली के लिए है रोड? हाँ, दिल्ली के लिए है रोड। अच्छा जी, बढ़िया। हमको ऑटो मिल चुकी है यहाँ से, अब जाएंगे कैंट। तो दोस्तों नींबू पानी पी लिया हूँ, और जा रहा हूँ ऑफिस से रेलवे स्टेशन साइड, और 10-15 मिनट लेट हो चुकी है ट्रेन, फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने बैग के साथ। दोस्तों हमारी ट्रेन आगे साइड हिली, कोच हमारा, सो हम कोच की तरफ जा रहे हैं। ये रही ट्रेन हमारी, और हम बैठ चुके हैं अंदर। तो दोस्तों मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, ट्रेन चल चुकी है। तो दोस्तों हमारी ट्रेन चल रही है, और अभी समय है 4:30 और मैं कर रहा हूँ लंच, जो मैं घर से पैक करके लाया था। तो लंच करते हैं और फिर सो दोस्तों अभी समय हो चुका है रात के लगभग 7:30, और हमारा खाना आ चुका है, जो कि मैंने ट्रेन से ही ऑर्डर कर दिया था। अभी हम लोग पहुँचे हैं लगभग दतिया के आसपास, और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई ट्रेन में, तो खाना खा के फिर सो जाएंगे यार, रात के 3 बजे सपना उतरना है। टेस्ट करके बताता हूँ क्या क्या कैसा है खाना ट्रेन का, और दिखाता भी हूँ पैकिंग क्या है कैसी है। इसके पहले पेपर बिछा लेते हैं दोस्तों, भी लगभग सभी कोई खाना खा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं सभी का डिनर टाइम हो गया। और ये है रेलवे की तरफ से आया हुआ खाना, जिसमें 4 रोटियां, चावल और सब्जी, दाल है, और अचार के पैकेट है, मेरे तरफ से कुरकुरे। तो खाना खाते हैं और टेस्ट बताते हैं। तो दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं रात के 11:46, और ट्रेन पहुंच चुकी है बांदा,
बांदा स्टेशन में है इस वक्त हम लोग। ये हमारी ट्रेन और ये रहा बांदा स्टेशन, काफ़ी बड़ा स्टेशन दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने ले लिए स्प्राइट और रास्ते में भी रात में पियेंगे स्प्राइट। और ये है बांदा स्टेशन, ये है जैतवारा स्टेशन और हम पहुंच चुके हैं जैतवारा। और अगला स्टेशन हमारे साथ इतना ही है। सुबह के बज रहे हैं ये 2:30, तो हम लोग पहुँचने लगे सतना। गुड मॉर्निंग सतना, वेलकम बैक टू होम टाउन। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने सतना शहर में। ये रही अपनी ट्रेन जिससे भी आए हैं, समय भी देख सकते कितना है अभी। और चलते हैं अभी बाहर की तरफ। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपने दीदी के घर राजेंद्र नगर साइड। सो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, मैं चल रहा हूँ और ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। सो पहुँचते दीदी के यहाँ और रात हो चुकी बहुत ज़्यादा, तो जीजा जी आए हैं लेने के लिए, उनको भी डिस्टर्ब कर दिया है। पूरा स्टेशन खाली खाली पड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। और चलते हैं फटाक से और फिर मिलते हैं सुबह।